फ्रेंड्स, टुडे आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड, और वो इसलिए कि आज हम आपको विंडोज़ पे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की 100% वर्किंग बूटेबल यूएसबी बनाने का एक एब्सोल्युटली नया तरीका बताएंगे। बेसिकली हम इस टॉपिक पे पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन इट्स टाइम टू रीडिफाइन आवर ओन डिस्कवर्ड मेथड। तो माई डियर फ्रेंड्स, अगर बात करें मेजॉरिटी की, तो हम में से ज़्यादातर लोगों के पास अमूमन एक ही एप्पल कंप्यूटर होता है, और अगर कभी उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अचानक ख़राब हो जाए तो हमारे पास अपने मैक में ऑपरेटिंग सिस्टम को रीइंस्टॉल करने के बड़े ही लिमिटेड ऑप्शन होते हैं। उन्हीं में से एक ऑप्शन विंडोज़ पे मैक की बूटेबल यूएसबी क्रिएट करने का है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मोस्टली विंडो पे क्रिएट की गई बूटेबल यूएसबी सिरे से मैक पे काम ही नहीं करती, और दूसरा विंडो पे मैक की बूटेबल यूएसबी क्रिएट करना थोड़ा डिफिकल्ट भी है। लेकिन डोंट वरी, हमने आप लोगों के लिए एक एब्सोल्युटली न्यू मेथड डिस्कवर किया है, जिसके जरिए हम विंडोज पे मैक की 100% वर्किंग बूटेबल यूएसबी क्रिएट कर सकते हैं। और आज इसी तरीके को मद्देनजर रखते हुए हम आपके सामने एप्पल के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मैकओएस मॉन्टरे की बूटेबल यूएसबी क्रिएट करेंगे। आप चाहें तो इसी तरीके को फॉलो करके एप्पल के प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम जस्ट लाइक मैकओएस बिग सर, कैटलिना या हाई सियरा वगैरह की बूटेबल यूएसबी भी क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके में हमें जस्ट दो ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर वन, एक कम अज़ कम 16 GB की एमटी यूएसबी ड्राइव की, और नंबर दो, एक इंटरनेट कनेक्शन की। सबसे पहले तो आप अपनी यूएसबी ड्राइव को मैकओएस एक्सटेंडेड जर्नल में फॉर्मेट करेंगे। अनफॉर्चुनेटली विंडोज़ पे कोई भी ऐसा आसान तरीका मौजूद नहीं है जिससे हम अपनी यूएसबी ड्राइव को मैकओएस एक्सटेंडेड जर्नल में फॉर्मेट कर सकें। तो इसके लिए मैं आपको दो सॉफ्टवेयर रिकमेंड करूँगा, नंबर वन ट्रांसमैक और नंबर दो HSF प्लस फॉर विंडोज। आप इन दोनों सॉफ्टवेयर को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। इन दोनों सॉफ्टवेयर के ट्रायल वर्जन हमारे लिए मोर देन इनफ हैं। आप इन दोनों सॉफ्टवेयर में से किसी एक की मदद लेकर अपनी यूएसबी ड्राइव को मैकओएस एक्सटेंडेड जर्नल में फॉर्मेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप ट्रांसमैक के जरिए अपनी यूएसबी ड्राइव को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप ट्रांसमैक को ओपन करें, और इसके बाद इस साइड बार से अपनी यूएसबी पे राइट क्लिक करके अपनी यूएसबी को मैकओएस के लिए फॉर्मेट कर लें। इसी तरह अगर आप HSF प्लस के जरिए अपनी USB ड्राइव को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो HSF प्लस के सॉफ्टवेयर को ओपन करें और इन तीन डॉट्स पे क्लिक कर दें। इसके बाद आपने फॉर्मेट न्यू वॉल्यूम पे क्लिक कर देना है। अब आप इस ड्रॉपडाउन मेन्यू से केयरफुली अपनी USB ड्राइव को सिलेक्ट कर लें। अगर आप अपनी USB ड्राइव को कोई नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं, अदरवाइज इसको एज इट इज ही रहने दें और फॉर्मेट बटन पे क्लिक कर दें। जब आपकी यूएसबी ड्राइव मैकओएस एक्सटेंडेड जर्नल में फॉर्मेट हो जाए तो आपने इसमें उस मैकओएस के इंस्टॉलर को कॉपी करना है जिसकी आप बूटेबल यूएसबी ड्राइव बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम मैकओएस मॉन्टरे की बूटेबल यूएसबी ड्राइव बनाना चाहते हैं तो हम इसमें मैकओएस मॉन्टरे के इंस्टॉलर को कॉपी कर देंगे। अब यहाँ पे लेट्स से आपके पास मैकओएस का इंस्टॉलर सेव नहीं है तो डोंट वरी, आप इसको इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज, मैं आपको मैकओएस के किसी भी इंस्टॉलर का डाउनलोड लिंक प्रोवाइड नहीं कर सकता, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। बट ऑलवेज रिमेंबर दिस, गूगल इज योर बेस्ट फ्रेंड। आप जस्ट अपने मतलब इंस्टॉलर का नाम लिखकर गूगल करें एंड बॉम, आपके सामने कई ऐसी साइट्स आ जाएंगी जहां से आप अपने मतलूबा इंस्टॉलर को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें दी ओनली प्रॉब्लम इज डैट कि इस तरीके से डाउनलोड किए गए इंस्टॉलर ज़्यादातर DMG फॉर्मेट में होते हैं,
अगेन डोंट वरी, इसका भी हमारे पास एक तोड़ है। आप अपने इंटरनेट से डाउनलोड किए गए डीएमजी के इंस्टॉलर को ट्रांसमैक में ओपन करें। जब आपका इंस्टॉलर ट्रांसमैक में ओपन हो जाए तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। या तो पहले आप इस इंस्टॉलर को ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने कंप्यूटर की किसी लोकेशन पे कॉपी करें और इसके बाद अपनी यूएसबी ड्राइव में ट्रांसफ़र कर दें, या फिर आप यहां से इसको डायरेक्ट अपनी यूएसबी ड्राइव में ही सेव कर लें। इट्स टोटली अप टू यू। दोनों सूरतों में macOS का इंस्टॉलर डीएमजी फॉर्मेट से .app फॉर्मेट में आ जाएगा और इसी ओरिजिनल फॉर्मेट की हमें ज़रूरत है। याद रहे कि इंस्टॉलर को यूएसबी में कॉपी करने से पहले आपने अपने HSF Plus के सॉफ्टवेयर को रन कर लेना है, वरना आपको विंडोज़ में यूएसबी ड्राइव नज़र नहीं आएगी। और वो इसलिए क्योंकि विंडो बाई डिफ़ॉल्ट HSF के वॉल्यूम्स को रीड एंड राइट नहीं कर सकती। एनीवे, जब macOS का इंस्टॉलर आपकी यूएसबी ड्राइव में कॉपी हो जाए तो आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से इस फोल्डर को डाउनलोड कर लेना है। इस फोल्डर में macOS Monterey की बूट फाइल्स हैं। फोल्डर डाउनलोड करने के बाद इसमें मौजूद तमाम फाइल्स को देखने और कॉपी करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर की हिडन फाइल्स को अनहाइड करना पड़ेगा। इस फोल्डर की फाइल्स हिडन इसलिए हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट macOS की बूट फाइल्स हिडन होती हैं। बहरहाल, आपने इन तमाम फाइल्स को कॉपी करके अपनी यूएसबी ड्राइव में पेस्ट कर देना है। एंड डेट्स ऑल, हमने सक्सेसफुली macOS Monterey की बूटेबल यूएसबी ड्राइव अपने विंडो कंप्यूटर पे क्रिएट कर ली है और अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक क्विक टिप बताता चलूँ। लेट्स से आप macOS Monterey की बजाय macOS Bixer को अपने मैक पे इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले तो आप macOS Bixer के इंस्टॉलर को इंटरनेट या फिर अपनी एक्सटर्नल ड्राइव से अपने कंप्यूटर में कॉपी करें और इसके बाद अपनी इस USB ड्राइव और macOS Bixer के इंस्टॉलर्स को दो अलग अलग विंडोज में साइड बाय साइड ओपन कर लें। सबसे पहले तो आप अपनी USB ड्राइव के इंस्टॉल macOS Monterey के फोल्डर में जाएं और कंटेंट फोल्डर को ओपन कर लें। अब अपने macOS Monterey के इस शेयर सपोर्ट फोल्डर को अपनी USB ड्राइव से डिलीट कर देना है। अपनी रिसाइकल बिन से भी इसको डिलीट कर दें। इसके बाद आपने इंस्टॉल macOS Bixer के फोल्डर में जाना है और कंटेंट फोल्डर को ओपन कर लेना है। अब आप macOS Bixer के शेयर सपोर्ट फोल्डर को कॉपी करके अपनी USB ड्राइव में पेस्ट कर दें। एंड डेट्स ऑल, आपको मजीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये शेयर सपोर्ट फोल्डर दरअसल macOS Bixer का फुल इंस्टॉलर है और एक लगभग 12 GB की ह्यूज फाइल है। जब ये फोल्डर आपकी USB में कॉपी हो जाए तो आप इस USB से अपने मैक में macOS Bixer को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप जस्ट शेयर सपोर्ट के फोल्डर को अपनी USB ड्राइव में रिप्लेस करके macOS Monterey की बूटेबल USB ड्राइव को macOS Bixer की बूटेबल USB ड्राइव में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट्स ए न्यू एंड इफेक्टिव मेथड डिस्कवर्ड बाय MZ लर्निंग। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह की यूनिक वीडियोस मज़ीद भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल MZ लर्निंग को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। अब तक के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा बहुत जल्द एक न्यू वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुश रहिए और MZ लर्निंग देखते रहिए। Thank you so much for watching. Have a nice day.